हमारे मुल्क में बीएस मीडिया स्टडीज जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन ये प्रोग्राम काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, कराची से लेकर पेशावर तक कोई 50 डिपार्टमेंट है जो एक ही प्रोग्राम है, जो बहुत ट्रेडिशनल मीडिया के हवाले से ये इसमें कोर्सेज है और एक ट्रेडिशनल वे में ये पढ़ाया जा रहा है ये प्रोग्राम। तो यहाँ आकर इसको हमने कंसीव किया कि नहीं, अब चूँकि दुनिया बहुत तब्दील हो गई है, बहुत टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन है, यानी इंट्रोडक्शन है इन द मीडिया स्टडी डिपार्टमेंट सेटेलाइट से बहुत ज़्यादा, तो लिहाजा अब बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज जो उस मीडिया स्टडीज़ में वो अपसलीट होते जा रहे हैं। सपोज़ प्रिंट मीडिया इज़ नो मोर वर्किंग, बिल्कुल इट्स अ डाइंग मीडियम, लोग इसको अब परचेज नहीं कर रहे, लोग नहीं ख़रीद रहे, लोगों के पास टाइम नहीं है, अखबार पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, आप उसको कैरी करते हैं ये भी लोग नहीं कर सकते। तो लिहाजा बहुत स्मार्ट इस छोटे से एक आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसमें दुनिया सब कुछ इसी में है, इसमें जर्नलिज्म है, इसमें कम्युनिकेशन है, इसमें ड्रामा है, फिल्म है, सब कुछ है। तो लिहाजा आपको एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है और है। ये वो एरिया है जो मैक्सिमम वो कोर्सेज है जो जर्नली बीएस में हम नहीं पढ़ते थे और इसकी एक कमी थी जब हमारे बच्चे इंडस्ट्री की तरफ जाते थे, क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा आप टेलीविज़न इंडस्ट्री है, इस वक्त आपकी इंडस्ट्री सोशल मीडिया इंडस्ट्री है, ठीक है ना, आपको आपका जो 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 आपका जो इंटरप्रेन्योर है उनकी डिमांड कुछ और है, प्रिंट मीडिया ऑलमोस्ट गायब हो चुका है, तो लिहाजा उनको कोई और ज़रूरत है, इंडस्ट्री को कोई और ज़रूरत है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो हमने प्रोग्राम किए हैं, हमें और प्रोग्रामों की तरफ भी जाना होगा, डिजिटल मीडिया की तरफ जाना होगा, हमें बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरह ग्लोबलाइज मीडिया की तरफ जाना होगा, बहुत ज़्यादा और भी एरियाज़ हैं जो एक ट्रेडिशनल एक अप्रोच था उससे हट कर वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो लिहाजा ये वो सोच है ताकि इंडस्ट्री को हम अच्छे तरीके से कैटर कर सकें, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो, हमारे स्टूडेंट्स तैयार हों, जो ही आप इंडस्ट्री में जाए उनके लिए इंडस्ट्री बिल्कुल नई नई नज़र ना आए। हमारे कुछ स्टूडेंट जो पहले ग्रेजुएट्स होते थे तो हमसे अक्सर ये शेयर करते थे कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो कहते हैं आप हमें बताएं प्रैक्टिकल आपने क्या किया है, तो ये जो प्रोग्राम है उनको प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उस हवाले से इतना इनेबल करेगा कि लाइक अगर इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड कि कैमरामैन उसने बनना है तो वो उस हवाले से उसको बाकायदा यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, इसी तरह अगर उसने किसी और एस्पेक्ट में ग्राफिक्स हैं, इवन उसने एंकरिंग करनी है, ये प्लेटफॉर्म है जो हमारे पास BUTV, डेफिनेटली ये उनको उनकी इस एस्पेक्ट को ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ लेके आएगा। तो क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट था उसको आप ये कह सकते हैं कि दैट स्टूडेंट हैड एवरीथिंग बट ही और शी हैड नॉट समथिंग स्पेसिफिक, तो अब उनके पास एक स्पेसिफिक चीज़ आ जाएगी विच दे कैन सेल इन द मार्केट। और डेफिनेटली अगर आपके पास एक अच्छी स्किल हो तो जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपको क्या आता है, तो अगर आपको एक चीज़ के ऊपर उबूर है विच इज़ रेलिवेंट विद टेलीविज़न, तो आई थिंक देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि आपको डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस्लामाबाद में बेरी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एक कंप्लीट पैकेज है, टेक्निकल पैकेज है जिसमें बेहतरीन स्टूडियोज़ है, हमारे पास एक बेहतरीन रेडियो है, हमारे पास लैब्स है, टेक्निकल लैब्स है, और हम अपना एक इंडिपेंडेंट टीवी चैनल भी चला रहे हैं जिसको हम BU Web TV देख कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये एक कम्पिटिटिव प्रोग्राम है, इसको जब बना रहे थे, इसको जब हम सोच रहे थे तो अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबसेस को, उनकी करिकुलम को, उनके प्रोग्राम को जो इससे रिलेटेड थे उसको भी देखा गया, ब्रिटिश को भी देखा गया, और कोई ऐसी एरिया नहीं है जो वहाँ है और यहाँ नहीं है।
मैं स्टूडेंट्स को जो इस इंडस्ट्री में वो आना चाहते हैं तो हम पे वो एतमाद करें, यहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स मौजूद हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और आए पेरेंट्स को भी बिल्कुल एतमाद होना चाहिए हमारे ऊपर, और मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर वो 4 साल यहाँ हमारे साथ गुजारेंगे तो टेलीविज़न और डिजिटल इंडस्ट्री में उनके लिए ताबनाक मुस्तकबिल अवेलेबल होगा, उनका इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उसने बेइंतहा इंटरेस्ट के साथ हमारे